मंदिर जा रहे हो, कई बार शिव आपके दरवाजे आने के लिए आतुर रहता है। हम भगवान को चाहें और भगवान को चाहें, इतना चाहें इतना चाहें, वो अपनी जगह पर है, पर भगवान की अविरल भक्ति सत्यता के साथ में, नेक कर्म के साथ में, सतमार्ग के साथ में, जब हम भगवान की अविरल भक्ति को धारण करते हैं तो भगवान हमको चाहने लगता है, भगवान हमारे करीब में आ जाता है। अब कितना दूर है जरा विचार करिए, कोई कह रही थी बहन जी की, गुरुजी स्टेशन से ये जो आपकी कथा स्थल है ना, लगभग लगभग 45 किलोमीटर पड़ता है महाराज, 45 किलोमीटर यहाँ पड़ता है, और पूछते पूछते गनौत तक आओ, और गनौत के बाद में फिर 1.5 किलोमीटर दूर गाड़ी रोक दी जाती है, ऑटो रोक दिया जाता है, फिर वहां से चलकर पैदल 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 बाबा की कथा सुनने के लिए। एकांत इसमें पैसा तुम्हारा खर्च हो रहा है, बोलो सही है कि गलत है? सीहोर वाले महाराज ने तो तुम्हारे पास में 200-500 रुपए नहीं भेजे कि तुम चलकर हमारी कथा में आना, इसमें पैसा तुम्हारा खर्च हुआ, वहां से चलकर तुम यहां तक आए तो तुम्हारे शरीर में कष्ट भी हुआ, सिर पे बैग, और महाराज जी कह देते हैं कि किसी का मुंह झूठा कराओ तो बाजू में पानी की बोतल उनकी पेटी, या पानी की पाउच की बोरी, या बिस्कुट का पुड़ा उनका पैकेट, आटा चावल कुछ भी तुम्हारे साथ में है, और साथ में फिर बच्चे, और उसको लेकर भगवान शंकर का नाम लेते 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 तुम ये नया रायपुर गनौत की कथा में जब पहुंचे हो, सामान नीचे रखा है, फिर जगह देख रहे हो कि कहीं मिल जाए, फिर जगह ढूंढी, बड़ी मुश्किल से कहीं थोड़ी बहुत जगह मिली, बैठे कथा का रसपान किया, पैसा तुम्हारा लगा, समय तुम्हारा लगा, परिश्रम तुम्हारा हुआ, सामान तुम लेकर आए हो, वस्तु तुम लाए हो, पानी गिरे तो छाता भी साथ में लाए हो, बिछाने की पन्नी पॉलिथीन भी साथ में लाए हो, एक बिछाने की चटाई भी साथ में लेकर आए हो, पानी पीने की बोतल भी साथ में लेकर आए हो, जरा विचार करिएगा, जरा सोचिएगा, जरा अपनी चित्तवृत्ति में धारण करिएगा कि कितना विश्वास शिव महापुराण के प्रति आपके दिल में है। जब इतना विश्वास तुम्हारे दिल में शंकर के प्रति है तो तुम शंकर के दिल में निवास करते हो, ये निश्चित है। कितना भरोसा, और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी भक्त शंभो, मैं तेरी भक्त हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी भक्त शंभो, मैं तेरी भक्त। आपका विश्वास आपको शिव के करीब लेकर गया, आपका भरोसा आपको शंकर के नजदीक लेकर गया। जब आपका विश्वास आपको शिव के करीब ला सकता है, आपका भरोसा शंकर के करीब ला सकता है, तो यह निश्चित है कि आपके विश्वास के बल पर शंकर भी आपके करीब में आ सकता है, वो दूर नहीं रह सकता, वो तुम्हारे करीब में आ जाए, तुम्हारे नजदीक में। एक कितना सुंदर चरित्र आता है, एक रेवा नाम का सुतार था, उसका नाम था रेवा। रेवा क्यों रखा उसका नाम, तो वो नर्मदा जी के घाट पर रहता था, और माँ नर्मदा जी का नाम रेवा भी है। अब सुतारी करता था, सुतारी में, सुतारी जानते हो ना लोग, सुतारी का काम क्या होता है, लकड़ी को सही करना, खटिया बनाना, पलंग बनाना, दरवाजे, अब तो ये सारा काम होने लगा कि बड़े बड़े बेड बनने लगे, पलंग बनने लगे अच्छे सुंदर सुंदर, और अलमारियां बनने लगी, फर्नीचर बनने लगा, ये पहले नहीं बनता था। पुरानी पुरानी माताएं अगर बैठी होंगी तो वो जानती होंगी, पहले ये फर्नीचर वर्नीचर नहीं बनता था, खटिया बनती थी, और
चारपाई में खटिया में रस्सी को भिरोया जाता था। कुर्सी बनती थी, चारपाई बनती थी, दरवाजा बनता था, चौखट बनती थी, खिड़की बनती थी, खिड़की की चौखट बनती थी, ये सुतारी चला करती थी। अब रेवा सुतार बहुत साधारण परिवार से, बहुत कभी तो भरपेट भोजन मिल जाता उसको और उसके परिवार को, और कभी मिलता भी नहीं। कभी भरपेट भोजन मिल रहा है रेवा सुतार को और कभी मिलता भी नहीं, कभी परिवार को भरपेट भोजन मिल जाता तो कभी मिलता भी नहीं। बड़ा दुखी था, भोजन मिल जाता तो दो तीन दिन का लगातार भोजन मिल जाता, कहीं काम मिल जाता, कर कराता थोड़ी सी। अब आजकल तो आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं हमको नहीं मालूम छत्तीसगढ़ वालों को, पर हमने जो देखा है हमारे पूर्वजों के मुख से जो हमने सुना है उसमें ऐसा था कि नाई कटिंग करने आता था तो उसको पैसा नहीं देना पड़ता था, थोड़ा अनाज दे दिया जाता था। और मुझे उम्मीद है छत्तीसगढ़ के भी जो छोटे गांव होंगे वहां पर अगर कोई खवास कटिंग करने आता हो, दाढ़ी बनाने आता हो, तो महीने का 15 दिन का, साल भर का उसको अनाज दिया जाता था, उसको चावल या धान आदि जो भी आपके यहाँ होता हो वो देते थे। सुतार अगर काम करने आता था तो उसको महीने भर का, 5 दिन का, 8 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का अनाज दे दिया जाता था। कुम्हार मटका बनाने वाला अगर मटका दे जाता था, कुम्हार अगर सामान देकर जाता था तो फिर उसको अनाज दे दिया जाता था। बंसकार जो सुपड़ा बनाने वाला होता है, डल्ला बनाने वाला होता है, डलिया बनाने वाला होता है, वो उसको भी अनाज दे दिया जाता था। अब रेवा सुतार को कभी 2 दिन का, कभी 3 दिन का, कभी 4 दिन का अनाज मिल जाता, बाकी के दिन उसके ऐसे ही चले जाते। लगभग 1 महीने में 20 दिन रेवा सुतार के घर के लोग भूखे रहते और 10 दिन भोजन करते रेवा सुतार, 10 दिन बस भोजन। बच्चे भी दुखी, पत्नी परिवार सब दुखी रहता, रेवा सुतार भी दुखी रहता। एक बार रेवा सुतार का नियम था, झोला बाजू में टांगा और आवाज लगाते लगाते जाता, भैया छत सुधरवा लो, भैया चौखट बनवा लो, भैया दरवाजा बनवा लो, भैया ये बनवा लो, आवाज लगाते 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 जा रहा। श्रावण का महीना था, 3 दिन से रेवा सुतार के घर में चूल्हा नहीं जला था, 3 दिन से रेवा सुतार के घर में अन्न का दाना नहीं था। बच्चे भी भूखे, पत्नी भूखी, रेवा सुतार भूखा। झोला उठाया, उसमें छीलने का सामान, काटने का सामान, कुल्हाड़ी और जो छेनी आदि के लेकर चल दिया, भैया काम करवा लो, भैया छत सुधरवा लो, भैया खाट बनवा लो, भैया चौखट बनवा लो, भैया दरवाजा बनवा लो, भैया द्वार बनवा लो, आवाज लगाते 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 जा रहा था। बीच मार्ग में चलते चलते उसके स्मरण में नहीं आया, वो तो चला जा रहा है शुद्धि बांधे हुए, उसकी शुद्धता में नहीं। और चलते चलते सामने से 8-10 शिव भक्त हाथ में डंडा, 2 लोटे जल के कांवड़ भरकर चले आ रहे थे। आज के जमाने में लोग हंसते हैं, कई लोग कहते हैं कि ये कांवड़ तो लोग हंसी करते हैं कि ये तो लोगों ने मन से बना ली है। महाराज जी लोग कहते हैं कांवड़ का, विधायक जी, कई लोग प्रश्न खड़ा करते हैं जो सनातन धर्म से नहीं जुड़े हैं, वो प्रश्न खड़ा करते हैं कि कांवड़ मन से बनाई गई। शिव महापुराण की कथा कहती है सावन के महीने की सबसे पहली कांवड़ भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी के साथ मिलकर भगवान विष्णु शंकर को चढ़ाई थी। जब भगवान शिव के गले में विषधर हो गए थे, भगवान शंकर ने जब विष का पान कर लिया था, नीलकंठधारी हो गए थे, नीलकंठ कंठ की जलन समाप्त नहीं हो रही, पार्वती जी की आंखों से अश्रु लगातार बह रहे, लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण से कहा कि शिव जी ने दुनिया के लोगों को अमृत देने के लिए खुद ने विष का पान कर लिया है, उनका कंठ जल रहा है। शंकर कहते हैं, लक्ष्मी जी कहती हैं कुछ करिए, नारायण का 2 लोटा जल उठाकर नारायण तुरंत दौड़कर शिव जी के पास पहुंच गए।
स्वयं ब्रह्मदेव स्वयं इंद्र सारे देवता कावड़ को भरे हैं महाराज। कहा रेवा सुतार ने देखा सामने से कावड़ लेकर कंधे पर दो लोटा जल बांध कर चले आ रहे। बोलबम 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 का नारा है। बोलते बोलते चले आ रहे हैं। कुछ शिव की महिमा होगी, कहीं ओगड़दानी की कुछ करुणा होने वाली होगी। कावड़िया चले चले आ रहे, 8-10 कावड़िया चले आ रहे। रेवा सुतार आवाज लगा रहा, द्वार बनवा लीजिए, खाट बनवा लीजिए, चौखट बनवा लीजिए, छत सुधरवा लीजिए। आवाज लगाते लगाते चले जा रहे। 8-10 कावड़ियों में से एक कावड़िया रुका रेवा सुतार के पास में। रेवा सुतार कभी शिव के पास नहीं गए, रेवा सुतार कभी शंकर के मंदिर नहीं गया, रेवा सुतार कभी शिवालय नहीं गया, कभी शंकर के द्वार नहीं गया, कभी शंकर को एक लोटा जल नहीं चढ़ाया, रेवा सुतार ने कभी शंकर का द्वार नहीं देखा, कभी अपने परिवार के भरण पोषण में लग रहे, टाइम नहीं मिलता ना कमाए कि भगवान के मंदिर जाए, बच्चों का पेट भरे कि भगवान के मंदिर जाए, पत्नी और बच्चों का भरण पोषण करे कि भगवान के मंदिर जाए, कभी मंदिर नहीं गया। इसीलिए तो शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है कि काम करते रहो और नाम जपते रहो। शिव महापुराण ने कभी यह नहीं कहा कि तुम मंदिर में जाकर बैठ जाओ, शिव महापुराण ने कभी यह नहीं कहा कि तुम तीर्थ में जाकर बैठ जाओ, शिव महापुराण ने कभी यह नहीं कहा कि तुम किसी पवित्र नदी के तट पर जाकर अपनी जिंदगी निकाल लो। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर तुम्हारे घर में बच्चे हैं, परिवार है, कुटुंब है, रिश्ते नाते सब कुछ तुम्हारे घर के अंदर विराजमान है, तो तुम उस परिवार के अंदर रहो, उनका भरण पोषण करते रहो और अपना काम करते करते भगवान का नाम लेते रहो, इसमें भी परमात्मा की प्राप्ति है। घर छोड़कर मत जाओ, परिवार छोड़कर मत जाओ, कुटुंब छोड़कर मत जाओ, रिश्ते नाते छोड़कर मत जाओ, घर में रहो और घर में रहकर भगवान की भक्ति को करो। परिवार का भरण पोषण भी करिए और परिवार को संभाल भी लीजिए और भगवान की भक्ति भी करिए। इसका सबसे सुंदर उदाहरण है घर में रहने वाली एक स्त्री, इसका सबसे सुंदर उदाहरण है घर में रहने वाली एक नारी। पुरुष से ज्यादा स्त्री व्यस्त रहती है, पुरुष से ज्यादा स्त्री व्यस्त रहती है। सुबह से उठती है, पति की तो आंख नहीं खुलती, उससे पहले उठकर रसोई घर में चली जाती है, रसोई घर में बच्चों का टिफिन बनाना, ये करना वो करना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, सफाई करना, करते 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 सुबह 8-9 बजे बच्चों को स्कूल भेजकर फिर काम में लग जाती है, स्नान आदि कर, बर्तन आदि मांज और कपड़े वगैरह धोकर वो डालकर फिर भोजन का लग्गा लगा लेती है। भोजन बनाते बनाते उसको 12:30-1 बज जाती है, सबको भोजन करा देती है, फिर बाद में भोजन करती है, बर्तन जो बचते हैं उसको मांजने बैठ जाती है, करते करते 2 बज जाती है, थोड़ा सा समय मिला ना मिला, लेटी आराम करा ना करा, कोई काम में लग गई, कुछ बीनने चुनने में लग गई, कोई त्यौहार आ गया तो कुछ बनाने में लग गई, करते करते शाम हो गई, शाम को फिर भोजन की तैयारी, भगवान का भजन, मंदिर में जो भगवान बैठे हैं उनको 2 फूल चढ़ा देगी, बेलपत्र चढ़ा देगी, अगरबत्ती लगा देगी, दिया लगा देगी और पूजन करके फिर अपने काम में लग जाती है। कर्म करते करते एक भारत की नारी, भारत की स्त्री केवल एक ऐसी होती है जो काम करते करते भगवान का नाम ले लेती है, कर्म करते करते भगवत भजन कर लेती है। पर दुनिया के लोगों को दूर के ढोल जम जम के बोलो जरा, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। एक महाराज जी घूमने के लिए विदेश गए और विदेश गए तो उन्होंने क्या देखा कि विदेश में एक महिला का पति मर गया और महिला का पति मर गया और उसको जमीन के अंदर गाड़ दिया गया, उस पर उसकी कब्र बना दी गई और बनाने के बाद महिला उस पति की कब्र पर पंखा कर रही थी बैठकर, पति की कब्र पर कब्र पर पंखा। जब पति की कब्र पर महिला पंखा कर रही तो संत को लगा कि बताओ हमारे भारत की नारी के साथ सती हो जाती है, इतनी प्रबल नारी होती है, पर हमारी भारत की नारी से भी बड़ी प्रबल नारी तो ये विदेश की नारी है जो पति मर गया तो पत्नी पति की कब्र पर पंखा कर रही है, ये तो हमारे भारत की नारी से भी बड़ी नारी है। तब संत उस नारी के पास गए और उस नारी के हाथ जोड़कर कहते हैं मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं, हमारे भारत की नारी तो पति के साथ सती हो जाती है पर तू तो उससे भी बड़ी है कि पति मर गया, मरने के बाद तू उसकी कब्र पर पंखा कर रही है। इतने में वो विदेश की नारी बोली महाराज बात ऐसी है कि हमारे
यहां का नियम है, जब तक पति की कब्र सूखती नहीं है तब तक हम दूसरी शादी नहीं कर सकते। इसलिए वो पति की कब्र को पंखा दे देकर सुखा रही है, पंखा कर 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 सुखा रही है। अर्थात शास्त्र कहता है कि भारत सभ्यता की दैनी है, भारत संस्कृति की दैनी है, भारत संस्कारों की दैनी है, भारत निर्मलता की दैनी है, भारत दुनिया के लोगों को प्रेरणा की दैनी है। इसलिए भारत के बराबर दुनिया की कोई नारी भी नहीं हो सकती जो भारत में। अभी इस कथा के पहले राजनंदगांव में ऑनलाइन कथा थी और राजनंदगांव से ऑनलाइन कथा करी तो एक महिला ने एक प्रश्न, अब कथा अब जो ऑडिटोरियम था वो छोटा सा था ऐसा, सामने लगभग 700 सीट का और नजदीक नजदीक में सब पास पास में थे। तो एक महिला ने खड़े होकर, जब कथा पूरी हो गई हम जाने लगे खड़े हुए मंच पर, तो एक महिला ने प्रश्न किया, गुरुजी अब हमने पूछा क्या हो गया, जाने का समय था, गुरुजी स्त्री को सीता बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। हमने कहा क्यों नहीं बनना चाहिए, मां जानकी तो भारत का गौरव है, मां जानकी तो भारत का गौरव है, स्त्री को सीता बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। हमने कहा मां जानकी मां सीता तो भारत का गौरव है, स्त्री को सीता अपने पति राम के लिए बनना चाहिए और बाकी की दुनिया वालों के लिए तो स्त्री को चंडी और काली बनना चाहिए। स्त्री को सीता केवल अपने पति राम के लिए बनना चाहिए, बाकी की जितने भी हैं सबके लिए स्त्री को तो चंडी और काली बनना चाहिए, अपने पति के लिए जानकी बनी रहे। एक चरित्र आता है, लंकाधिपति रावण ने शंकर भगवान को प्रसन्न कर वर मांगने को जब शिव जी ने कह दिया कि मांग ले लंकाधिपति रावण लंकेश वर मांग, रावण ने सोने की लंका वंका सब रावण के पास आ गई थी, सब कुछ रावण के पास आ गया था। तब रावण ने सोचा क्या मांगू, तो रावण ने माता पार्वती को मांग लिया था। रावण ने कह दिया माता पार्वती को कि ये पार्वती मुझे दे दो। शंकर तो शंकर, ओघड़ी तो ओघड़ी, दयालु तो दयालु, भंडारी तो भंडारी, भोला तो भोला। शंकर भगवान ने तुरंत कह दिया ठीक है लंकाधिपति रावण मैं पार्वती तुझको देता हूँ, ले ले जा। रावण ने माता पार्वती जी को पालकी में बिठाया, पार्वती जी शंकर जी की ओर देखकर मुस्कुरा रही थी और पालकी में बैठकर रावण के साथ जाने लगी। आगे आगे लंकाधिपति रावण, पीछे पीछे पालकी में माँ पार्वती जी बैठकर जा रही थी। कुछ दूर पहुंचने पर लंका के नजदीक में जैसे ही पार्वती जी पहुंचने लगी, रावण को लगा इतनी सुंदर पार्वती है एक बार उसका मुख तो देख लूं। जो उन्होंने पालकी में पार्वती जी को देखने के लिए आतुरता करी और जो पालकी का पर्दा हटाया, हटाते से ही रावण क्या देखता है, वहां पार्वती नहीं, वहां तो आज काल रात्रि में दुर्गा भवानी दुर्गा चामुंडा बैठी हुई, मां कालरात्रि दुर्गा चामुंडा बैठी हुई थी। चामुंडा का जैसे दर्शन करा रावण थर थर कांपने लगा, रावण के पसीने छूटने लगे, लंकाधिपति रावण की पूरे 10 मुख की 20 नेत्र उसके थर थर वहां वहां घूमने लगे, हाथ पैर कांपने लगे, रावण चक्कर खाकर नीचे गिर गया। जैसे गिरा पालकी उठाने वालों ने मां की स्तुति करी, स्तुति करी, हाथ जोड़कर नमन करा, मां ओ मां आपने रावण को अपना ये रूप कैसे दिखा दिया। भगवान शंकर की साक्षी में माता पार्वती जी कहती हैं कि ये गौरा, ये पार्वती, ये सती, ये उमा, ये कात्यायनी, ये कुष्मांडा, ये चंद्रघंटा, ये स्कंदा शंकर की अर्धांगनी है, बाकी के जनमानस के कल्याण करने के लिए तो ये दुर्गा अष्टभुजा धात्री मां कालरात्रि। क्यों डरना, कई बेटियां हमारे पास में कह देती हैं, कई बार आकर बेटियां कहती हैं उसने हमको घूर कर देखा, उसने ऐसा करा, उसने ऐसा बोला, उसने ये किया। तुम भारत की नारी हो, कमजोर नहीं हो। वो दूसरा समय था जब स्त्री अपने हक के लिए रोती थी, आज भारत का अमृत महोत्सव चल रहा है, आज नारी को रोना नहीं पड़ता, अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है। रोने का समय गया, कई माताएं कहती है उसने हमको गाली दे दी, उसने हमें अपशब्द कह दिया, उसने घूर कर देख लिया, उसने ये कह दिया, गलती तुम्हारी, तुम्हें उस जगह पर अपने पति के लिए सीता बनो पर दूसरे के लिए तो तुम चंडी भवानी दुर्गा बनी है। किसी की सामर्थ्यता क्या है, क्या सामर्थ्य। और मैंने
तेरे ही भरोसे भोले तेरे ही भरोसे हवा भी चूड़ती जाती बाबा डोर में कटी जावी भोले मैं तेरी शंभु क्यों रोना सबसे प्रबल होना चाहिए भारत की नारी को किसी की सामर्थ्यता क्या जो उंगली उठा दे और पुराना समय था जो प्रमाण पर प्रमाण देना पड़ता था अब तुम्हें प्रमाण देने की जरूरत नहीं स्वयं की अविरल भक्ति ही हमारा प्रमाण है स्वयं की अविरल भक्ति हमारा प्रमाण शिव तत्व कह रहे भगवान शंकर का संवाद कर रहा है शिव महापुराण की कथा कर रही है रेवा सुतार को लगा रेवा सुतार ने मन में सोचा कि मैं आवाज लगा रहा हूं आज मुझे लगता है तीन दिन से तो अन्न नहीं मिला तीन दिन से तो भोजन नहीं मिला मुझे लगता है कि आज भोजन मिलना ही नहीं मुझे लगता है आज भोजन नहीं मिलेगा कभी शिवालय नहीं गया था रेवा कभी शंकर के मंदिर नहीं गया था रेवा सुतार कभी शंकर के शिवालय नहीं पहुंचा था रेवा सुतार कभी नहीं गया फिर निवेदन है शिवलिंग अपने आप खींचता है अभी हम महाराज जी आए थे ऊपर तो हम बोले हम कि महाराज जी आशीर्वाद मिल जाता है हर कथा में तो महाराज जी कह रहे थे हम आशीर्वाद देने नहीं हम तो शिव महापुराण का आशीर्वाद लेने के लिए पधारते हैं हम तो लेने के लिए पधारते अब ये शिव तत्व है आपके और हमारे भीतर जब हम शंकर के करीब में पहुंचते हैं शिवलिंग के नजदीक में पहुंचते हैं शंकर की शिव महापुराण के करीब में पहुंचते हैं भगवान शंकर की अविरल भक्ति की ओर पहुंचते हैं तो शिव हमको खींचते शिव में खींचते और मेरे भोले तेरा सहारा है मेरे भोले तेरा सहारा है मेरी नैया का तू किनारा है मेरी नैया का तू किनारा मेरे बाबा तुझे पुकारा है मेरे बाबा तुझे पुकारा है मेरी नैया का तू किनारा है मेरी नैया का तू किनारा रेवा ने कभी नहीं देखा कि शंकर का द्वार कैसा है रेवा ने कभी नहीं देखा कि शिवालय कैसा है रेवा ने कभी नहीं देखा कि शंकर की चौखट कैसी है कभी नहीं देखा परंतु शिव तो शिव है खींचता खींचता शंकर खींचता और महाराज रेवा आवाज लगाते 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 जा रहा है रेवा आवाज लगाते लगाते रेवा जा रहा है आवाज लगाते लगाते रेवा चिल्लाता चिल्लाता जा रहा है कोई दरवाजा सही करवा लो कोई चौखट सही करवा लो कोई द्वार सही करवा लो कोई छत बनवा लो कोई कुर्सी बनवा लो पर कहाँ तीन दिन से अन्न का भाग नहीं मिला है तीन दिन से भोजन नहीं मिला तीन दिन से कोई अन्न का भाग प्राप्त नहीं हुआ है रेवा को तीन दिन से बच्चे भूखे थे रेवा जाते जाते सामने से 8-10 कांवड़िया आ रहे थे कांवड़ का जल उनके कंधे पर था डंडा साथ में दो लोटे बंधे हुए थे और दो कलश उनके साथ में आवाज लगाता हुआ जब रेवा जा रहा था कांवड़िया जाते जाते उसमें से एक कांवड़िया रुक गया रेवा के पास एक कांवड़िया रेवा के पास रुक गया
और एक कांवड़िया जब रेवा के पास में रुका, रुकते सी उसने, कांवड़िया ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी तो 3 दिन के भूखे सुध का बनती नहीं, बाजू में झोला टंगा चिल्ला रहे, खिड़की बनवाओ, दरवाजा बनवाओ, कुर्सी बनवाओ, छत सुधरवाओ, खटिया बनवाओ, पलंग बनवाओ, चिल्ला रहे। और कांवड़िया ने आवाज लगा कर कहा, बाबा जी रुके, क्या बात है भैया, क्या हो गया? बाबा जी, मेरा ये कांवड़ का जो डंडा है ना, ये कांवड़ का जो बांबू है ना, ये कांवड़ का जो डंडा है ना, ये डंडा बीच में से टूट गया है। मैं बड़ी मुश्किल से इस डंडे को बीच में से पकड़ कर लेकर आ रहा हूं, जहां से ये टूटा है वहां से मैं इसको पकड़ कर रखा हूं। ये डंडा टूट गया, और ये डंडा टूट गया है तो ये मेरा डंडा ठीक नहीं है। कांवड़िया ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी, और कांवड़िया ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी आप सुतारो हाँ, मेरा ये डंडा ठीक कर दीजिए। जो शब्द सुनते शब्द सुनते ही बाबा जी की आंख से जल बहने लगा। 3 दिन में काम भी मिला, तो वो मिला कि कोई पैसा मिलने वाला इसमें है नहीं, कोई दमड़ी मिलेगी नहीं, कोई 1 रुपया इसमें प्राप्त नहीं हुआ, इसमें 1 रुपया कहीं से मिलने वाला नहीं। और महाराज करे तो करे, पानी तेज है, सभी लोग छाते होंगे अपने अपने पास में, वो लगाएं और बड़े भाव से शिव तत्व को प्राप्त करें। महापुराण वर्णन कर रहे, रेवा सुतार जब आवाज लगा कर कहा, बाबा जी बोले, क्या बात है? बाबा जी, हम भगवान शंकर को सावन के महीने की कांवड़ चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, और श्रावण महीने की जब कांवड़ चढ़ाने के लिए जा रहे हैं तो मार्ग में हमारा ये जो डंडा है ना, ये टूट गया, हमारा ये डंडा टूट चुका है। जो लोग गीले हो रहे हैं, मेरा निवेदन है कि आप लोग छांव वाली जगह में या छाते के नीचे हो जाए। हमारा कांवड़ का डंडा टूट गया है बाबा जी। बाबा जी ने मन में विचार करा कि एक तो कांवड़िया रस्ते में चलने वाला पथिक, अगर मैं कांवड़ का डंडा ठीक भी कर दूंगा तो कोई पैसा वैसा तो मिलने वाला नहीं, कोई रुपया धेला तो कुछ मिलेगा नहीं, फिर भी ये कांवड़ लेकर जा रहे हैं, मेरा फर्ज बनता है कि मैं थोड़ी सी सेवा करूं। मैं आज तक तो शिवालय गया नहीं हूं, आज तक तो मैं शंकर के दरवाजे पहुंचा नहीं, मैं आज तक तो शिव की चौखट पर गया नहीं, शिवालय गया, शिवाय।
शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कपड़ा आप हमें प्रदान कर दोगे तो तुम्हारे तन पर कोई दूसरा कपड़ा नहीं रहेगा। रेवा सुतार ने कहा, कोई बात नहीं, ले जाओ इसको। डंडे पर रेवा सुतार ने अपना कपड़ा लपेट दिया। कैसे? जैसे सुदामा जी की पत्नी ने सुदामा जी को तंदूल दिए थे, तो सुदामा की पत्नी जब पड़ोसी के यहां से तंदूल मांगने गई थी तो तंदूल कायम रखे, सुदामा की पत्नी ने अपने साड़ी के पल्लू को फाड़ा, तंदूल रखे और तंदूल अपनी साड़ी के पल्लू में बांध कर सुदामा जी को दे दिए थे। जब भगवान कृष्ण के हाथ में जब तंदूल पहुंचे, भगवान कृष्ण ने जब तंदूल पाए तो भाभी का वो छोटा सा साड़ी का पल्लू देखा तो उस पल्लू को देखकर समझ गए कि मेरे सुदामा के घर की दशा क्या है। उस पल्लू को देखकर तीन लोक का राज्य सुदामा को दे दिया था भगवान कृष्ण ने। तीन लोक का, केवल एक वस्त्र को देखकर, केवल एक वस्त्र को देखा, केवल एक वस्त्र। रेवासुतार ने अपना पल्लू, रेवासुतार ने अपने तन का कपड़ा बांधा और तन का कपड़ा बांध कर रेवासुतार ने दे दिया। डंडा हाथ में लेकर कावड़िया चला चला और दादुर मोर पपैया भी बोले, दादुर मोर पपैया बोले, सावन का महीना ले जा कर दिया। कावड़िया ने तो कावड़िया चढ़ाई, कावड़िया ने तो जल चढ़ाया। रेवा सुतार को कोई काम नहीं, कोई काम रेवा सुतार को कोई काम नहीं मिला। शुमहा पुराण की कथा कहती है, अगर जिंदगी में बन सके, पहले भी कहा आज फिर कहते हैं, कहीं शुभक्त कथा सुन रहा है उसको मुख झूठा कराते बन जाए। अगर भगवान ने आपकी सामर्थ्य कर रखी है तो अपने साथ में कुछ रोटी पूड़ी सब्जी कुछ भी घर से, खिचड़ी पोहा घर से बना कर ले आओ, भले एक डब्बे में लेकर आ जाओ, पांच लोगों का मुंह झूठा कराओ, पर कराओ जरूर, उसका फल बहुत मिलता है। कावड़ यात्रा करने वाला जल लेकर चल रहा है, बोलबम 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 बोलते बोलते चल रहा है, अविरल भक्ति धारण कर जा रहा है। शिव के द्वार तुम्हारे दरवाजे के सामने से अगर कोई कावड़िया निकल रहा है, बन सके तो उसको पानी पिला दो, बन सके तो उसको सहयोग प्रदान कर दो, बन सके। बन सके, दिल से उसका दर्शन कर लो। शिवभक्त का दर्शन करने से भी शिव के दर्शन का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। शिव के दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है एक शिवभक्त के दर्शन का कर्मात्र कर लेने से। चले, रेवा सुतार ने तो केवल डंडा ठीक करा है, रेवा सुतार ने तो केवल नया डंडा लाकर अपना कपड़ा लपेट कर दिया, उसका फल क्या है, उसका पुण्य क्या है। डंडा पहुंचा शिवालय तक, लोटे का जल तो चढ़ गया पर डंडा पड़ा रहा। मेरे ओघड़दानी क्या देखते हैं कि रेवा सुतार के घर में तीन दिन तो पहले से भोजन नहीं था, और मालूम पड़ा थोड़े दिन और भोजन नहीं मिला। मेरे शिव सावन के महीने में, श्रावण के महीने में मेरे शंकर पार्वती जी को साथ में लेकर एक बुजुर्ग का रूप रखकर, वो पिछोड़ा जो रेवा सुतार ने बांधा था वही कपड़ा लेकर, रेवा सुतार का वो कपड़ा लेकर, मेरे भोले बाबा बूढ़े का रूप लेकर, बूढ़ी का रूप लेकर मेरे भोले बाबा उस रेवा सुतार के दरवाजे पर पहुंच गए। आवाज लगाई, बाबा जी, बाबा जी, ओ बाबा जी। रेवा सुतार ने अंदर से आवाज लगाकर, भूखा प्यासा बच्चे भी घर में भूखे, आवाज लगाया, कौन है भैया, कौन है। बाहर आकर बाबा जी ने कहा, शंकर भगवान बोले, हम बुजुर्ग दरवाजे पर खड़े हैं, कोई भैया को कावड़ यात्रा में आपने अपना तन का कपड़ा दिया था, वो कपड़ा लौटाने के लिए दिया है, हम लौटाने आए हैं। रेवा सुतार ने कहा, बेचारा कितना अच्छा व्यक्ति है, मेरा कपड़ा भी यहाँ देने आ गया। बाहर निकले रेवा सुतार, दरवाजा खोला, कपड़ा लिया,
प्रणाम किया, भैया बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरे तन का कपड़ा मुझे लाकर दे दिया, प्रणाम करा। शंकर पार्वती ने कहा, रेवा सुतार से बाबा जी वो लड़का आया था ना कावड़ लेकर, उसने कहा था ये वस्त्र तुम्हें दे दूं, इसलिए मैं देने आया हूं। बाबा जी मेरे मन से दो पानी के कलश, दो लोटा जल वो लड़का शंकर के मंदिर में चढ़ाया था और उसके दो लोटे दो कलश मंदिर के अंदर रह गए थे, इस लोटे का मैं करूंगा क्या, इसलिए ये लोटे आप अपने पास में रख लीजिए। रेवा सुतार ने कहा, ये लोटे हमारे नहीं है, ये कलश हमारा नहीं है, हम क्यों रखें? नहीं नहीं वो लड़के के थे, जब कपड़ा तुम्हारा है तो लोटे के तुम हकदार हो, इसको तो तुम्हें रखना पड़ेगा। एक लोटा कावड़ का माता पार्वती जी ने रेवा सुतार की पत्नी को दे दिया, दूसरा लोटा महादेव जी ने रेवा सुतार के हाथ में दे दिया और देकर दोनों, इतने में पत्नी बोली रेवा सुतार की कि कितना अच्छा कावड़िया था, देखो हमारे घर में दो लोटे आ गए, अब अगला सावन जब आएगा ना अपन भी कावड़ लेकर चलेंगे। पति रेवा सुतार हंसकर बोला, खाने के लिए घर में अन्न का दाना नहीं है तो लोटा कहां से लाएंगे? पत्नी बोली, ये वो लोटे देकर तो चले गए, डंडा अपन ढूंढेंगे और कांवड़ अपन बनाकर शंकर के मंदिर अगले वर्ष जरूर चलेंगे। दोनों विचार कर लेते हैं, दोनों का विचार चला, कांवड़ का दोनों लोटा अपने अपने पास में रख लिए, पत्नी उस लोटे में रोज जल भरकर रखती और शंकर जी का स्मरण करती कि मैं अगले साल आऊंगी, और जो जल पत्नी आचमन के लिए लेती उसमें से एक सोने की गिन्नी प्रतिदिन नीचे गिरकर सामने आ जाती, सोने का एक गिन्नी नीचे गिरती, रेवा सुतार की लोटे के जल में से प्रतिदिन एक गिन्नी गिरती, प्रतिदिन दोनों के पास दो सोने की गिन्नियां आने लगी। धीरे 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 करते 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 साल भी पूरा नहीं हुआ और दोनों का घर महल बन गया और अपार आनंद सुख समाहित हो गया। अपार बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, सावन में दो लोटा क्या मिलता है, क्या प्राप्त होता है? दुनिया के लोग हंसते हैं कावड़ से कुछ होता है, हम कहते हैं कभी विचार करना, कावड़ का जल चढ़ाकर देखना एक बार, बन सके तो दिल से, दिल से। हमारे यहां तो 17 तारीख की सीहोर में कुबेर भंडारी की कावड़ है सुबह 9 बजे, आप लोग जो नजदीक वाले हैं दर्शन करना चाहते हैं वो दर्शन के लिए आए, जो जल चढ़ाना चाहते हैं 11 किलोमीटर तक बाबा का नाम लेकर जल, क्या देगा वो लोटे के अंदर वो जाने, उसके हाथ। दिल से शिव को बुलाओगे तो दिल से शंकर देता जरूर है। खाली ना जाता तब कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हो, भोले अपने दर से अब तो नो गिरी जा रही हो, उठा लो। शिव को चाहने वाला, शंकर का गुणगान करने वाला कभी खाली नहीं रहता। आप शिव के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो तो ये अंदाजा लगा कर रखना कि एक दिन तुम्हारे भी दरवाजे पर शंकर किसी ना किसी रूप में पहुंचेगा जरूर और तुम्हारा कल्याण करेगा। क्यों नहीं करेगा? बस दिल से बुलाने वाला चाहिए, हृदय से भगवान को आमंत्रित करने वाला चाहिए। पुष्कर जी में ब्रह्मा जी ने यज्ञ रखा, पुष्कर जी में ब्रह्मा जी ने यज्ञ रखा, सबको बुलाया, मन में आया कि जिन शंकर भगवान ने मेरा शीश काटा था उनको आमंत्रित करूं कि ना, विचार उसको आमंत्रित करूं कि ना करूं। ब्रह्मा जी ने सबके पास निमंत्रण भेजा पर शिव जी के पास निमंत्रण नहीं भेजा। आखिरी में जब इंद्रदेव और भगवान देवऋषि नारद ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे और ब्रह्मदेव से कहा, ब्रह्मा जी क्यों ऐसा काम कर रहे हो कि शिव को आमंत्रित नहीं कर रहे? राजा दक्ष ने यज्ञ रखा था और उस दक्ष के यज्ञ में शंकर को आमंत्रित नहीं किया गया था तो पूरा यज्ञ विध्वंस हो गया था। क्या तुमको मालूम नहीं? क्या तुम्हें ज्ञात नहीं है? क्या तुम जानते नहीं
शिव महापुराण की कथा कहती है भीतर से अच्छे बनो, बाहर से तो अपने आप तुम अच्छे दिखने लगोगे। जब भीतर से अच्छे नहीं हो पाओगे तो बाहर से भी श्रेष्ठ नजर नहीं। अपने भीतर हम कितना अच्छा कर सकते हैं, हम जनमानस के लिए कितना कल्याण कर सकते हैं, हम जनमानस के लिए कितना श्रेष्ठता कर सकते हैं, कि अपने ऊपर निर्भर करता है। ये पत्रों का ढेर लगा हुआ है, बहुत सारे पत्र हैं, आज हम पत्र थोड़ा कम पढ़ रहे हैं। उसका कारण यह है कि पानी गिर रहा है ना, और पत्र पढ़ेंगे और तुम लोग यहां उठकर आओगे और तुम्हारी जगह पर कोई दूसरा बैठ गया तो फिर झगड़ा करोगे, इसलिए हम पत्र ही नहीं पढ़ते। क्योंकि पत्र पढ़ेंगे और तुम आए तो तुम्हारी जगह पर कोई दूसरा बैठ गया तो तुम झगड़ा करोगे, इसलिए पत्र ही मत पढ़ो। पत्र बहुत सारे ये रखे सारे बड़े हुए सब पढ़ सकते। शिव तत्व है। ब्रह्मा जी ने सबको बुलाया, शिव जी के पास में पत्र नहीं गया। भगवान ओगड़दानी के पास में कोई सूचना नहीं गई कि ब्रह्मा जी के यहां पुष्कर जी में यज्ञ है। शिव जी के पास कोई सूचना। अच्छा हो बुरा हो जैसा भी हो, शंकर की सूचना, शिव महापुराण की सूचना, या शंकर का कोई पूजन हो, शिव का कोई अभिषेक हो, शंकर का यज्ञ हो, शिव का आनंद हो, तुम्हारे घर में कोई अच्छा कार्य हो रहा हो, तुम्हारी पड़ोसन से कितना भी झगड़ा हो, तुम्हारे रिश्तेदारों से कितना भी झगड़ा हो, तुम शादी में भले किसी को बुलाओ चाहे मत बुलाओ, अपनी जगह पर है, पर तुम्हारे यहाँ अगर कोई धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है तो किसी से कितना भी झगड़ा है उसको भी निमंत्रण जरूर पहुंचाओ कि हमारे यहाँ धार्मिक कार्यक्रम। तुम्हारे यहां शादी में भले बुलाओ चाहे मत बुलाओ, ये तुम्हारी मर्जी। तुम्हारे बच्चे के विवाह में किसी को बुलाओ चाहे मत बुलाओ, तुम्हारी मर्जी है। पर तुम्हारे घर में अगर कोई कार्यक्रम हो रहा है, तुम्हारे घर में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे शहर में, तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारे खेड़े में अगर कोई धार्मिक आयोजन हो रहा है तो जरूर सूचना जरूर। मैं श्री चंद्रकांत जी, श्रीमती पद्मनी साहू जी को, श्री भूपेन्द्र जी साहू जी को, श्री चंद्रशेखर जी को, धर्मेंद्र जी को, वीरेंद्र जी साहू जी को मैं धन्यवाद देता हूं। जैसे ही ये यजमान पद इनको प्राप्त हुआ तो इन्होंने सबसे पहले अपने गांव में और अपने नगर में और अपने सारे रिश्तेदारों को सूचना करी कि शिवपुराण की कथा हमारे गांव गनौर में हो रही है, आओ शिवपुराण की कथा का लाभ लीजिए। ये कथा हो रही है और भगवान ने सौभाग्य दिया इस कथा के माध्यम से, ये हमारे ऊपर कहीं शिव की कृपा, कहीं शिव की उदारता हो रही है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु तनु, बखान क्या करूं डाकों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना हुए का, हे गंगधार द्वार ओमकार तू भोले ओमकार तू, आयो शरण शंभु कार तू। बन सके किसी से झगड़ा है तुम्हारे घर की शादी में मत बुला, किसी से विवाद है तुम्हारे घर के गृह प्रवेश में मत बुला, पर यदि धार्मिक कोई आयोजन हो रहा है, कोई अच्छा कार्य हो रहा है, कोई भगवत भजन हो रहा है, कोई स्मरण हो रहा है, कोई भगवान की भक्ति हो रही है तो सबको सूचना दो, चाहे हमारे मित्र हो चाहे हमारे दुश्मन हो, मित्र हो चाहे दुश्मन, सूचना दो। शिवपुराण कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रही है, ब्रह्मा जी ने निमंत्रण नहीं दिया, भगवान ब्रह्मदेव ने निमंत्रण नहीं पहुंचाया, पर इंद्रदेव ने देवऋषि नारद के कहने पर भगवान ब्रह्मा जी से विनती करी, आपसे निवेदन है पिता। देवऋषि नारद भी कर रहे हैं, देवऋषि नारद भी विनती कर रहे हैं, आपसे निवेदन है, आप शिव को निमंत्रण, शिव को निमंत्रण, भगवान को निमंत्रण। हाँ तुम जानते नहीं हो, शंकर भगवान ने काल भैरव को प्रकट कर मेरा शीश कटवा दिया था, तुम जानते नहीं हो, शंकर भगवान ने काल भैरव को प्रकट कर मेरा शीश कटवा दिया था, और तुम कहते हो कि पुष्कर में यज्ञ हो रहा है तुम्हें शिव को बुलाओ, शिव को आमंत्रित करो। फिर निवेदन है शिव महापुराण कथा के माध्यम से कि बदला लेने की भावना मत रखो, शिव महापुराण कहती है कि खुद को बदलने की भावना रखो, बदला लेने से कोई सुख नहीं मिल सकता,
दो शब्द हैं, एक सब्र और दूसरी कद्र। दो शब्द हैं, एक सब्र है दूसरा कद्र है। दो शब्द हैं, एक सब्र दूसरी कद्र। शिवमहापुराण की कथा कहती है अगर कोई काम नहीं हो रहा है, तुम्हारे वैभव नहीं आ रहा, तुम्हारी संपदा नहीं आ रही, कुछ तकलीफ है, तो थोड़ा सब्र रखो, थोड़ा भगवान शंकर की भक्ति करो, थोड़ी सी थोड़ा सब्र रखिए, थोड़ा समय का धैर्य इंतजार करिए, थोड़ा इंतजार जरूर करिए, थोड़ा सब्र रखो। और शिव महापुराण की कथा कहती है थोड़ा सब्र रखो, और सब्र रखने पर जब मेरा भोलेनाथ तुम्हारी झोली खुशियों से भर दे तो उछलना नहीं, दुनिया के लोगों की भी कद्र करना और जो दिया है उसकी भी कद्र करना। सब्र और कद्र दो शब्द, एक पहले सब्र रखिए फिर कद्र करिए, पहले सब्र रखिए फिर कद्र करिए। जो दिया, थोड़ा दुख है, थोड़ा तकलीफ है, थोड़ा कष्ट है, थोड़ा दुख का समय है, थोड़ा कष्ट का समय है, थोड़ी थोड़ी सावधानी रखो, थोड़ा शांति रखो। हड़ताली का तीज होती है इधर छत्तीसगढ़ में, जम के तो बोलो, होती है, फुलेरा बनता है, बनता है। प्रयास करो 5 या 7 फुलेरे का दर्शन। आप हड़ताली का तीज का व्रत करते हैं नहीं करते हैं, आप हड़ताली का तीज करते हैं नहीं करते हैं, आपके परिवार में हड़ताली का तीज होती कि नहीं होती, आपके यहाँ हड़ताली का तीज का पूजन होता कि नहीं होता, उससे कोई मतलब नहीं। अपने मोहल्ले में देखो, अपने गांव में देखो, अपने नगर में देखो, अपने क्षेत्र में देखो, अपनी कॉलोनी में देखो, अपनी सोसाइटी में देखो, जहां पर हड़ताली का तीज का पूजन हो रहा हो, विनती कर 5 या 7 फुलेरे का दर्शन अवश्य करो। बन सके किसी भी वृक्ष की पत्तियों को तोड़कर 5 फुलेरे का दर्शन करने जाओ तो शंकर भगवान को समर्पित जरूर करो, फुलेरे का दर्शन जरूर करो। आप पूजन करते हैं नहीं करते, आपके यहां हड़ताली का तीज होती है कि नहीं होती, उससे मतलब मत रखो। और 5 फुलेरा या 7 फुलेरा का दर्शन कर बड़े प्रेम से भजन गाकर, दर्शन करने का मतलब यह नहीं कि मैं दर्शन करें और तुरंत भग लिया, नहीं, बैठे हो, मैं भजन चल रहा है, 1 भजन 2 भजन तुम भी गाकर आओ, नहीं गाकर आओ तो चिल्ला कर आओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 5 फुलेरा का 7 फुलेरा का दर्शन करो खूब उमंग से आनंद से, नाचते गाते भले तुम हड़ताली का तीज का व्रत करो चाहना करो, पर उस हड़ताली का तीज में तुम भगवान का भक्ति में तुमने डूब कर 5 या 7 फुलेरा का दर्शन करो। बन सके मन में अगर कोई कामना है, कोई बच्चों का विवाह नहीं हो रहा या अन्य चीजें हैं, कोई नौकरी के लिए अप्लाई कर है, पत्र बहुत सारे, एक हाथ पढ़ दूं उनकी जगह पे कोई बैठेगा तो नहीं, हाँ ठीक है, मेरा नाम श्रीमती प्रभाकरण ध्रुव है, मैं जिला महासमुंद के पिथौरा की रहने वाली हूं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूं। मेरा नाम श्रीमती प्रभा किरण ध्रुव है, मैं जिला महासमुंद के पिथौरा की रहने वाली हूँ, कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिलाइए, हाँ ठीक है दिख गए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बेलपत्र लेने कैसे आओगी, आ जाओगी, अच्छा हाथ तो हिला दो, हाँ ठीक है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, आते बन जाए तो आ जाओ और नहीं आते बने तो जगह मत छोड़ कर आओ, बड़ी मुश्किल से तो मिलती है, ठीक है। मेरा नाम श्रीमती प्रभाकरण ध्रुव है, मैं जिला महासमुंद पिथौरा की रहने वाली हूँ, मैं बाबा का क्या वर्णन करूँ गुरुदेव, मेरा भाई जिसकी उम्र 32 वर्ष है, नौकरी के लिए प्रयास करते 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 उसकी इतनी उम्र हो गई पर उसकी नौकरी नहीं लगी, मेहनत करता फल नहीं मिलता, मेरे भाई ने मुझे फोन कर पर बोला कि मैं आज के बाद किसी भी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं करूँगा। मैंने मेरे भाई से कहा वो सियोर वाला महाराज कथा करता है तू एक बार उसको सुन, और मेरे भाई ने कथा श्रवण करी और कथा सुनते हुए उसने संकल्प कर लिया कि उस सियोर वाला महाराज कहता है कि मेहनत चोगनी कर ली, अभी तक जितने पढ़े हो, अभी तक जितने कंपटीशन एग्जाम में बैठे हो उससे 4 गुना ज्यादा मेहनत करना है, और 4 गुना ज्यादा मेहनत कर आखिरी में अप्लाई करने के लिए नौकरी का एग्जाम देने के लिए जाओ तो एक शहद की बेलपत्र शिव को चढ़ाकर जाओ। मेरे भाई ने अभी तक जो एग्जाम दिए थे उसमें कहीं उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, तब मेरे भाई ने विचार करा एक एग्जाम और देखकर देखता हूं, और फरवरी के महीने में मेरे भाई ने एग्जाम दिया, और फरवरी के महीने में एग्जाम दिया और उसने चौगनी मेहनत करी, जैसा आप कहते हो कि चौगनी मेहनत के साथ फिर बेलपत्र और शहद का प्रयोग करा, आज मेरा भाई शिक्षक पद पर विराजमान हो गया, मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई, उसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई,
एक लाइन अच्छी लिखी है, बाबा जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। शिव तत्व की प्राप्ति से जब हम विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ शिव की आराधना करते हैं तो क्यों ना मिले, क्यों ना प्राप्त हो। बस आपका विश्वास दृढ़ है, आपका भरोसा दृढ़ होना चाहिए। विश्वास और भरोसा दृढ़ होगा तो शिव क्यों ना मिले, कैसे ना प्राप्त होगा। निवेदन किया एक पत्र और, मेरा नाम हेम प्रकाश पांडे है। कहीं बैठे हैं हेम प्रकाश जी? हेम प्रकाश पांडे, ग्राम शिवरी नारायण, जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से हैं। कहीं बैठे हैं क्या? हाथ हिलाओ, कैमरे वाले देखिए। जय हो, जय हो। हाँ, एक बार फिर से हाथ हिला दो, दिख गए हो। हाँ ठीक है, पांडे जी आप भी हाथ हिला दो एक बार। ठीक है, दिख गए, दिख गए, ठीक है। आइए आइए, बेलपत्र ले जाओ, जाओ। मेरा नाम हेम प्रकाश पांडे है, मैं शिवरी नारायण, जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से आ रहा हूँ। ये वही शिवरी नारायण महाराज अपना वाला? हाँ ठीक है, शिव नारायण से। मेरी पत्नी चांदनी पांडे, उसके शरीर में एक गांठ हो गई थी, डॉक्टर ने उसको ऑपरेशन का कह दिया था, और डॉक्टर ने कहा था ये ऑपरेशन होने के बाद गांठ का जांच भी होगा, ये सब बोल दिया था। हम लोग घबरा गए, घबरा कर हमने विचार करा करें क्या। तब किसी के कहने पर शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी। सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लाए, उस रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाते, शिवजी को जल चढ़ाते, उसका आचमन करते। डॉक्टर ने तो ऑपरेशन की तारीख निकाल दी, पर हमने डॉक्टर साहब से तारीख मंगी, एक महीने बाद की। डॉक्टर कह रहे थे शीघ्र से शीघ्र ऑपरेशन होना है, बाबा की कृपा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। हमने शंकर पर चढ़े हुए जल को नंदी के पास बैठकर आचमन करना पीना प्रारंभ करा, और बाबा की कृपा से दूसरी बार जब ऑपरेशन के लिए जांच हुआ तो मालूम पड़ा कि उनकी गठान पूरी गल चुकी थी। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया, मैं शिव जी को प्रणाम करने, धन्यवाद देने के लिए आया हूं। लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम सब मिलकर गुनगुनाते हैं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, शिव शंकर जप तेरी माला, भोले बाबा जप तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा, वेश रे मंगल मंगलकारी, वेश रे मंगल। आप ही के भैया शिक्षक बने हैं, बहुत हार चुका था तब बाबा ने कृपा कर कर 32 वर्ष की उम्र में आखिरी में उसने सोच लिया था कि अब एग्जाम नहीं दूंगा, पर विश्वास के साथ में फिर एग्जाम दिया और आखिर में शिक्षक पद पर गवर्नमेंट जॉब में लगा है। हिम्मत नहीं हारना। कहीं के महाराज से पूछोगे तो कहेगा तेरा ग्रह बेकार चल रहा है, सरकारी नौकरी नहीं लगेगी। कोई कहेगा वास्तु दोष है, कोई कहेगा काल सब दोष है, कोई कहेगा ये दोष है, कोई कहेगा वह दोष है। हमें दुनिया के चक्कर में नहीं पड़ना, हमें तो हमारे शंकर की शरण में जाना है। जब एक बार वो शंकर के ऊपर एक लोटा जल मेरे देवाधिदेव महादेव को चढ़ाने लगते हो तो सारे ग्रह अपने आप अनुकूल हो जाते हैं। ऐसा कौन सा ग्रह है जो शंकर के चरणों में नहीं है? ऐसा कौन सा ग्रह है जो शिव के चरणों में विराजमान नहीं है? एक लोटा जल जब हम देवाधिदेव महादेव को चढ़ाते हैं तो सारे ग्रह अपने आप अनुकूल होते चले जाते हैं, अपने आप। दुनिया के लोगों के चक्कर में पड़ोगे तो वो तुमसे कहेंगे ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, वो करो, भटका देंगे। शिव के चरणों में जाइए, शंकर के द्वार जाइए, एक लोटा जल समर्पित करिए। दुख की घड़ी है तो भी जाओ, और सुख की घड़ी है तो भी जाओ, उसकी चौखट ना छूटे। ब्रह्मा जी ने दिल से नहीं बुलाया, ब्रह्मा जी ने सबको बुलाया, पर शिव ने समझाया, देवऋषि नारद ने समझाया, इंद्रदेव ने समझाया कि देखो हो गया जो होना था। नहीं, शंकर भगवान ने मेरा सिर काटा था, शिव जी ने मेरा सिर काटा है, इसलिए मैं बुलाऊंगा नहीं। भगवान समझाया समझाया, तब समझाने पर तब जाकर मन में भाव उत्पन्न हुआ कि मैं शिव को आमंत्रित करता हूं, शिव को आमंत्रित। पत्र भेजा,
भगवान देवदत्त महादेव के यहाँ सूचना पहुंची। भगवान शंकर के दरवाजे पर खबर पहुंची। भगवान देवदत्त महादेव के पास सूचना गई कि पुष्कर जी में ब्रह्मा जी यज्ञ रखे हैं। पुष्कर में ब्रह्मा जी यज्ञ रखे? हाँ, शंकर भगवान ने सोच लिया कि इन्होंने ब्रह्मा जी ने बुलाया तो है मुझे, पर दिल से नहीं बुलाया। लोग शंकर जी पे जल तो चढ़ाते हैं, पर कई लोग ऐसे हैं कि वो सिर की उतारते हैं कि सियोर वाला महाराज बोला है तो रोज मंदिर जाना, पर दिल से नहीं चढ़ा पाते। दिल से तो चढ़ा, हृदय से तो चढ़ा। शिव के द्वार जाओ तो दिल से जाइए। क्या लेकर जाएं हम शंकर के चौखट पर, क्या लेकर जाएं हम शिव के दरवाजे पर? शिव महापुराण की कथा कहती है किसी भी देवी देवता के यहां जाओ, उसको जो अच्छा लगता है वो लेकर जाओ, मना नहीं है। सारे देवी देवता के यहां जाओ, उनको जो अच्छा लगता है वो लेकर जाओ। देवी को सुहाग सामग्री अच्छी लगती है तो सुहाग सामग्री ले जाओ, किसी को छप्पन भोग अच्छा लगता है तो छप्पन भोग ले जाओ, किसी को पीताम्बर अच्छा लगे तो पीताम्बर ले जाओ, किसी को धन अच्छा लगे तो धन ले जाओ, किसी को भोग अच्छा लगे तो भोग ले जाओ। पर शंकर भगवान के दरवाजे पर जाओ तो क्या लेकर जाना? सारे देवी देवता को जो अच्छा लगता हो वो लेकर जाओ, पर शंकर भगवान के दरवाजे पर अगर जाना तो अपना दिल शंकर को समर्पित करने के लिए लेकर जाना। वहां वस्तु नहीं, वहां हृदय चाहिए। सारे देवताओं के यहां जाओ, मना सबके, उनको जो अच्छा लगता है वो ले जाओ। देवी को स्वाद सामग्री अच्छी लगे वो ले जाओ, किसी देवता को कोई फूल अच्छा लगे वो ले जाओ, किसी देवता को पीताम्बर अच्छा लगे वो ले जाओ, किसी देवता को जो अच्छा लगे वो ले जाओ। पर शंकर को, शिव को क्या चाहिए? शंकर की प्रियता क्या है? शिव की प्रियता क्या है? कि मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नाही प्यारे राम तेरे। शिव की प्रियता क्या है? आपका निर्मल मन। आप में से कोई माताएं ऐसी बैठी हैं जो 4 साल से कथा सुन रही होंगी, कोई होंगी 3 साल से सुन रही होंगी, कोई होगी 5 साल से सुन रही होगी, कोई होगी 6 साल से सुन रही होगी। पुरानी से पुरानी कथा को भी निकाल लेना, यूट्यूब पर कथा डली हुई है, पुरानी से पुरानी कथाओं को निकाल लीजिए, पुरानी से पुरानी कथाओं को देख लीजिए, पुरानी से पुरानी। और अभी तो हमने सीहोर बिटले सेवा समिति से कहा है कि जो तुम मिसकाल नंबर लोगों से मिसकाल ले रहे हो, ये लोग अगर व्हाट्सएप में जुड़ते जा रहे हैं तो महीने के अंदर 15 दिन 20 दिन के अंदर अंदर अपनी जितनी जितनी पुरानी कथाएं हैं इनको जो मिसकाल करते हैं इनको इनके व्हाट्सएप पर वो कथा पुरानी से पुरानी भेजना चालू करो, जिससे सुनना प्रारंभ करें। और आप लोगों से भी निवेदन है, आप लोग वो मिसकाल नंबर उसमें है, एक बार है, जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने लोग यहाँ सुन रहे हैं, वो अपने मोबाइल से अगर मिस कॉल देंगे तो 3 दिन 4 दिन के अंदर आप व्हाट्सएप से जुड़ जाएंगे। नंबर है 7433 फिर वापिस 7433 बस यही नंबर है। एक बार तुम भी बोलो 7433 दो बार ही है 7433 ये नंबर है। इस पे आपने जैसे ही मिस कॉल दिया, आने वाले समय में हमने कहा है कि सबके पास पुरानी से पुरानी कथा, 10 साल पुरानी, 15 साल पुरानी, सब कथा सबके पास पहुंचे, लोग उसे सुने। केवल उसमें मिस कॉल देना है तुमको, मिस कॉल दे दिया उसके बाद आप जुड़ गए आपके व्हाट्सएप पर आना प्रारंभ हो जाएगा, कुछ नहीं, उस फोन को कोई उठाएगा नहीं, तुम कितना भी लगाओगे, दूसरी बार लगाओगे तो भी नहीं उठाएगा, कुछ भी नहीं, बस एक बार मिस कॉल गया मतलब आप जुड़ गए मतलब आपके पास सूचना आना प्रारंभ, ना उस फोन को कोई उठाएगा ना देगा, बस आपका मिस कॉल हो जाएगा। अब आप पुरानी से पुरानी कथा को उठाकर देखिए, उस कथा को अगर आप उठाकर देखेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि कभी इस व्यासपीठ ने अपनी व्यासपीठ से कभी नहीं बोला गया कि शंकर भगवान को तुम दौलत चढ़ाओ कि धन चढ़ाओ कि वैभव चढ़ाओ कि उनको पीताम्बर चढ़ाओ कि बाघम्बर चढ़ाओ कि उनको ये चढ़ाओ। जब भी बोला इस महापुराण से केवल एक बात कही कि बन सके तो अपने घर से एक लोटा जल भरकर लेकर जाओ, मंदिर का जल नहीं, अपने घर से एक लोटा जल लेकर जाओ, शंकर भगवान को चढ़ाओ, शिव प्रसन्न हो, केवल एक लोटा जल, ज्यादा कुछ। सावन में जम के बोले, जरा सावन में 2 लोटा, बाकी के समय 1 लोटा।
लोटा मतलब जानते हो? ठीक है, यहां से लोटा का जल भरा, शिव जी को चढ़ाया। तुम्हें लगता है कि मटके में से एक लोटा पानी कम हो गया, तुम्हें लगता है टंकी में से एक लोटा पानी कम हो गया क्योंकि हमने शंकर जी को चढ़ा दिया, पर याद रखना एक लोटा जल का महत्व कोई माता पार्वती से पूछे। और अगर आप कभी शिवपुराण की कथा आपके घर में हो तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिवपुराण अगर आपके घर में है तो पार्वती खंड को पढ़ना। पार्वती खंड में आता है माता पार्वती जी ने एक लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित कर शिव से सारी सिद्धियां प्राप्त कर ली थी, सारी सिद्धियां। शिव तो अब किसी ने एक बात बड़ी भाव से करी है, एक व्यक्ति ने हमसे कहा कि गुरुजी आप कहते हो घर में से पानी लेकर जाओ, घर में जो मटका होता है वो झूठा हो जाता है, ये हो जाता है, वहां पर घर के अंदर तो बच्चे भी हाथ डाल देते हैं, बुजुर्ग भी हाथ डाल देते हैं मटके में, तो उसका पानी लेकर जाए, हम शंकर भगवान को एक लोटा जल लेकर जाए तो वो तो जल बेकार हो गया। जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, महाराज ध्यान देना, ये पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, जल, ये कभी अशुद्ध नहीं होते, ये हमेशा शुद्ध की शुद्ध रहते हैं, शुद्ध की शुद्ध है। जिस जमीन पर घूड़ा बना होता है लोग कचरा डालते कचरा डालते कचरा डालते, घूड़ा है, कचरा भरते जाते, एक दिन उसी घोड़े पर किसी का मकान बन जाता है, किसी का महल बन जाता है और लोग वहां रहकर आनंद से अपनी जिंदगी निकालते हैं। कचरे की जगह पर पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, जल कभी अशुद्ध नहीं होता, कभी अशुद्ध नहीं होता। अपने बच्चे को मां अपनी गोद में लेती है, छोटा सा बच्चा है, अगर गोदी में मां के सो रहा है और गंदगी कर दे या सुसु कर दे, ईमानदारी से बोलो कितनी मां बैठी है यहां, जब बच्चा गोदी में सुसु कर देता होगा तो रोज नहाती होगी, हर अभी सुकरा फिर नहाने गई, गंदगी करी फिर नहाने गई, फिर गंदगी करी फिर नहाने गई, है कोई मां ऐसी जो बच्चा बार बार गंदगी कर रहा है और मां बार बार नहाने जा रही है? नहीं। हमारा शिव महापुराण की कथा में पार्वती खंड कहता है कि पृथ्वी और मां इसकी गोद में बच्चा कितनी भी गंदगी कर दे पर मां हमेशा पवित्र की पवित्र ही रहती है, मां की पवित्रता कभी समाप्त नहीं होती, मां की पवित्रता। कई लोग कहते हैं शमशान की भूमि तो बेकार होती होगी, हम कहते हैं शमशान की भूमि किसने कह दिया बेकार होती है, जहां शंकर का निवास होता है वो शमशान की भूमि भी पवित्र होती है, जहां बैठकर ज्ञान अर्जित किया जाता है, जहां बैठकर ज्ञान प्राप्त किया जाता है, जहां बैठकर भगवान शंकर का गुणगान किया जाता है। कभी मौका मिले तो काशी, कभी मौका मिले तो काशी जाकर देखिए, नंदनवन जाकर देखिए, काशी वो सुंदर शमशान है जहां पर शंकर विराजमान है, काशी में वो शमशान है जहां 15 मिनट बैठकर भी आप मुर्दों को जलते हुए देख लें तो वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। शमशान शंकर भगवान की तपस्थली, साधना स्थली, आनंद स्थली है। शिव को क्या चाहिए तुमसे? शंकर भगवान को पुरानी से पुरानी कथा, आने वाले समय में जो आप लोग मिस कॉल दिए हम पहुंचाएंगे आपके पास कथा, आप उसको सुनना, 15 साल 20 साल पुरानी कथाएं पहुंचाएंगे, और 20 साल पुरानी कथा को भी सुनोगे तो उसमें आपको ये मिलेगा कि शंकर को पाने के लिए कुछ भी नहीं, केवल एक लोटा। आप कहीं कोई कह दिया वो जल हमारे घर में से हम पानी लेकर जाएंगे वो अशुद्ध हो गया, मंदिर में से पानी लेने में क्या जाता है, मंदिर से पानी लेने में क्या जाता है, हम मना नहीं करेंगे मंदिर से पानी लो, कौन ने कहा, मना कौन कर रहा है कि मतलब मंदिर में ट्यूबवेल दूसरे ने लगवाया, मंदिर में कुआं दूसरे ने खुदवाया, मंदिर में लोटा दूसरे ने रखा, मंदिर में बाल्टी दूसरे ने भरकर रखी, मंदिर में नल दूसरे ने भरकर रखा, अब तुम तो सहजादी बनकर गई, लोटा उठाया भरा और शंकर जी पे चढ़ा दिया, शंकर जी बोले नल दूसरे का, लोटा दूसरे का, बाल्टी दूसरे की, कुआं दूसरे का, और तू सेठानी बनकर आई और चढ़ा के चली गई तो फल भी दूसरे का, तेरा काय का फल, तुझे फल कहां से मिला? वो झूठा झूठा करते हो, झूठा। तेरी पूजा में जल ले आई उसे मछली भी झूठा, तेरी पूजा में दूध ले आई उसे बछड़ा भी झूठा। गाय का दूध जब निकाला जाता है तो पहले बछड़े को छोड़ा जाता है, बछड़ा गाय के दूध को झूठा करता है तब दूध निकाला जाता है, वो दूध शिव को प्रिय है। तेरी पूजा में फूल ले आई उसे भवरा भी झूठा, अब फूल झूठा, जल झूठा, दूध झूठा, और इंसान कौन सा सच्चा? जब
झूठा फूल शंकर भगवान स्वीकार कर सकते हैं, झूठा जल स्वीकार कर सकते हैं, झूठा दूध स्वीकार कर सकते हैं, तो झूठे इंसान को भी शिव स्वीकार कर सकते हैं। इंसान कौन सा सच्चा, कौन सा सच्चा इंसान? दुकान पे रहता है तो कहता है घर पे रहता है तो दुकान पे। ये जितने भी मेरे जीजा बैठे हैं गाड़ी चलाते चलाते हमेशा कहते हैं बस पहुंचने वाला हूं पांच मिनट में पहुंच जाऊंगा, बिल्कुल 5 मिनट में। और मालूम पड़े अभी तो दुकान से ही निकला और 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा, 5 का 50 मिनट कब हो जाता पता ही नहीं पड़ता। घर से मम्मी फोन करती, बेटी कैसी है, क्या कर रही है मेरी बेटा? और बेटी आंख में आंसू भरकर बोली झाड़ू लगा रही। और मालूम पड़ा आराम से व्हाट्सएप, आराम से बैठकर पर मम्मी झाड़ू लगा रही। अब माँ को समझना चाहिए, एक मोबाइल की रिंग बजी और तुरंत फोन उठ गया, मतलब समझ लो फ्री थी। अब इसको समझाए कौन, झूठा झूठा करते हो। हमारी शिव महापुराण में शंकर भगवान के 10 अवतार हैं, 10 विद्या के साथ। उसमें एक तो मेरी माँ झूठा भोजन करती है, झूठा भोजन। कौन सी देवी है? माता पार्वती जी का वो कौन सा रूप शंकर भगवान के साथ पूजाता है जिसमें झूठे का भोग लगता है, झूठा का भोग लगता है। आज भी माता के मंदिर में झूठे का भोग लगता है और देवी को भी झूठे का भोग ही लगता है। कौन सी देवी? मां मातंगी। कौन सी देवी है? मां मातंगी। भगवान शंकर के 10 अवतार में से एक अवतार था मातंग और माता पार्वती जी बनी थी मातंगी और उनको झूठे का भोग लगता है। उनके सामने जो भोजन जाता है वो झूठा होकर जाता है, भोग लगता है तो झूठा होकर लगता है। दुनिया के लोग कहते हैं घर में जो जल है वो बेकार हो गया होगा, घर का जो जल है वो श्रेष्ठ नहीं होगा, घर का जो जल है वो ठीक नहीं होगा। क्यों भैया? घर में से रुपया निकल कर गया और चढ़ गया तो वो अच्छा, और घर में से जल निकल के गया तो वो बेकार। अपने घर से जल लेकर जाइए शिव को समर्पित करके। अपना लोटा किसका? जम के बोलो, अपना जल किसका? अपना। अपने घर से लेकर जा रहे हो, मेहनत का है, अपने घर का है, हम लेकर जा रहे हैं अपने घर, शिव के दरवाजे जा रहे हैं अपना। शिव तत्व कह रहा है भगवान शंकर को रिझाने के लिए आडंबर की जरूरत नहीं पड़ती, प्रेम स्नेह भगवान शंकर को नजदीक लेकर जाता है। प्रेम और स्नेह, आप जितना प्रेम से, आप जितना स्नेह से शिव को पाना चाहोगे उतना प्रेम से शंकर भगवान मिलेंगे। ब्रह्मा जी ने निमंत्रण दिया पर प्रेम से नहीं दिया, देवताओं के कहने पर बुलाया और ये विचार करा कि मेरा सिर काट दिया था तो मैं बुलाऊंगा नहीं, पर बुलाना पड़ा क्योंकि देवता कह रहे हैं बुलाओ। रुचि नहीं है भगवान को बुलाने की। दो तरह के भक्त हैं, शंकर के मंदिर में जरूर जाते हैं, जल जरूर चढ़ाते हैं पर मन से नहीं जाते। दूसरा ऐसा है कि मंदिर में जाता है पर मन से जाता है। मन से जाओ, पशुपति व्रत करो तो मन से, सोमवार करो तो मन से, सावन के महीने में कांवड़ चढ़ाने जाओ तो मन से, 17 तारीख को सुबह 9 बजे सीहोर में जो कांवड़ चढ़ाने के लिए आ रहे हैं 11 किलोमीटर दूर तक पैदल चलना चाहते हैं जो आए तो दिल से आना, ये विचार कर आना कि मैं कुबेरेश्वर बाबा की कांवड़ चढ़ाऊंगा, मेरा बाबा मेरी झोली भरेगा अगले साल तक, मुझे बाबा बहुत कुछ देगा। मैं मेरी सरकारी नौकरी के लिए, मैं संतान की प्राप्ति के लिए, मैं धन वैभव वंश के लिए कांवड़ चढ़ाने के लिए आ रहा हूं, मेरा बाबा मुझे देगा जरूर, ये विश्वास लेकर आना तो अगले साल जब दूसरी बार आओगे तो मेरा बाबा तुम्हारी झोली जरूर भरकर भेजेगा। विश्वास के साथ, सच्ची भक्ति के साथ, सच्ची श्रद्धा के साथ, सच्चे समर्पण के साथ आइए, सच्चे समर्पण के साथ। और निवेदन करूंगा अगर कांवड़ उठा भी ना पाओ तो आकर उसका स्मरण दर्शन एक बार करना, शिव तत्व का दर्शन करना, शिव तत्व को कुबेरेश्वर महादेव कहते हैं, कुबेर भंडारी। यहां कई बैठे हैं जो सीहोर कुबेरेश्वर धाम होकर आ चुके होंगे, कई बैठे हैं, अपने हृदय पर हाथ रखकर बोलना कि उसने खाली तो नहीं रखा तुमको, थोड़ा लेट दिया, थोड़ा देर से दिया, पर तुम्हारी झोली खुशियों से जरूर भरी कुबेरेश्वर बाबा ने, भरी। बोल कुबेरेश्वर महादेव की, दिया देर से दिया पर दिया, थोड़ा समय लग सकता। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यार, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यार, तू मेरा
तेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला मैं हूँ तेरा लाला तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला मैं हूँ तेरा एक संबंध एक रिश्ता एक नाता एक कुटुंब का प्रेम अपने भीतर हो। लाखों की संख्या में आप लोग आए हैं पंडालों में जगह नहीं है पानी भी गिर रहा है कीचड़ भी है जमीन में बैठने की जगह नहीं दो घंटे से लगातार आप लोग खड़े हुए पीछे भी यहाँ वहाँ सब दो घंटे से इतना तो इंतजार आपने किसी का नहीं किया होगा जी जी किसका करा गीले भी हो गए खड़े हो नीचे पांव गीले कीचड़ कीचड़ ऊपर से जल वृष्टि और शरीर का कपड़ा पूरा गीला और उस बीच में दो घंटे से ढाई घंटे से लगातार एक जैसे भगवान शंकर की कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हो शिव तत्व को धारण कर रहे हो शिव तत्व अपने भीतर तुम्हारी भक्ति लोग कहते हैं गंगा जी के घाट पर जाकर तप करो कुछ मिलेगा लोग कहते हैं वहां जाकर तप करो कुछ मिलेगा शिवपुराण कहती है शिव महापुराण तुम्हारे नगर में कहीं हो रही हो वहां बैठ कर कथा सुन लो उससे बढ़कर कोई तप नहीं कोई साधना नहीं सब वही मिल जाए ये तपी तो है पानी बरस रहा है कीचड़ नीचे है बैठ सकते नहीं खड़े खड़े कथा का स्पान कर रहे कभी दल भक्ति से कोई शोर नहीं कोई आवाज नहीं कोई चिल्ला चोट नहीं ये तप नहीं तो क्या ये साधना नहीं तो क्या है ये भक्ति नहीं तो क्या है ये विश्वास नहीं तो क्या है एकाग्रता से सुन रहे एकाग्र ब्रह्मा जी ने दिल से भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया फिर भी मेरे शंकर भगवान ने कहा जैसे बुलाया मुझे जाना पड़ेगा कोई दिल से बुलाता है तो दिल से या कोई आता है कोई मन से नहीं बुलाता तो वो भी बेमन से आता है बोलो सही है कि गलत है आप किसी को दिल से बुलाओगे तो कोई दिल से आएगा आपने बेमन से बुलाया तो वो बेमन से आएगा आपने दिल से नहीं बुलाया तो वो भी दिल से नहीं आएगा शंकर भगवान आए और बेमन से आए शंकर भगवान यज्ञ प्रारंभ होना था यज्ञ प्रारंभ हो रहा था और मेरे भगवान शिव यज्ञशाला में पहुंचने से पहले एक भिक्षुक का रूप रख लिए बड़े बड़े बाल भयंकर सा स्वरूप हाथ में एक पात्र मांगने का भिक्षुक का रूप रख लिया यज्ञशाला में पहुंच गए ब्रह्मा जी यज्ञ में बैठकर और ब्रह्मदेव सावित्री माता के साथ में बैठकर जब यज्ञ कर रहे हैं उसी जगह पर पहुंच गए शंकर भगवान ने आवाज लगाई क्योंकि ब्रह्मा जी ने दिल से नहीं बुलाया था तो शिव भी दिल से नहीं आए आवाज लगाई भिक्षाम देही आवाज लगाई भिक्षाम देही भिक्षा दी ब्रह्मा जी के पास में सूचना पहुंची कोई दरवाजे पर भिक्षा मांगने आया। जब कोई कर्म करा जाए श्रेष्ठ कर्म की ओर अग्रण्यता रखी जाए उसमें फल क्यों नहीं मिलता अच्छे कर्म की ओर बढ़ोगे तो अच्छा मिलेगा ही हम पहले भी भिलाई में हमने कहा था कि रायपुर ये छत्तीसगढ़ का जो पुलिस प्रशासन है ये नशा मुक्ति के लिए एक मुहिम चलाता है कि लोग नशे से मुक्त हों आप अच्छे कार्य के लिए आगे बढ़ोगे तो दुनिया आपके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी रहेगी आज भी हमारे बीच में नशा मुक्ति के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं सभी पुलिस कर्मियों के लिए बहुत बहुत प्रशासन के लिए जो सुंदर भाव से ये कर्म चलाता आप अच्छा कर्म करोगे आपके साथ अच्छे लोग जुड़ेंगे आप बेकार कर्म करोगे तो आपके साथ बेकार लोग जुड़ेंगे अच्छा कर्म करिए श्रेष्ठ कर्म करिए और श्रेष्ठ कर्म का फल बहुत श्रेष्ठ कर्म क्यों प्रशासन लगा रहता है नशे से मुक्त हो आप लोग नशे से मुक्त होंगे तो आपका परिवार आपका घर आपका क्षेत्र सब अच्छा रहे श्रेष्ठ और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा मैं हूँ तेरा तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा मैं हूँ तेरा श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ इस कथा के पंडाल में कोई दो चार गांव की माताएं ऐसी आई हैं जो अपने साथ में कोई एक माता आई तो इतना बड़ा तबेला लेकर आए एक माता आई तो इतनी बड़ी परात लेकर आए एक माता आई तो साथ में मसाला लेकर आई जब हमारे बिठले सेवा समिति के कार्यकर्ताओं ने उनसे पूछा कि तुम ये बर्तन लेके क्यों आई हो कहा हम 5 दिन 7 दिन कथा में रहते हैं क्या करें
कोई भक्त आते हैं साथ में चावल लाते हैं तो हम उसको अग्नि में लकड़ियां तोड़ लेते हैं, उसको लकड़ी में पका लेते हैं, और जो हमारे शिव भक्त हमारे आसपास में बैठते हैं उनको हम पेट भर देते हैं उन्हीं के अन्न से, उन्हीं के भाग। जब हमको कल सूचना मिली तो हमको बड़ा बड़ा प्रसन्नता हुई, बाबा कितना दयालु है जी, उसके बराबर कोई कृपा नहीं कर सकता, कोई कृपा नहीं, कोई उसके बराबर कोई करुणा नहीं कर सकता। भिक्षा दी, शंकर भगवान ने आकर भिक्षा मांगी, भिक्षा दीजिए मुझे भूख लगी है, कुछ दीजिए, भूख लगी है दीजिए। भिक्षा दई बार बार कहा, ब्रह्मा जी के पास सूचना गई, दरवाजे पर कोई भिक्षुक आया है। ब्रह्मा जी ने कहा बाहर निकाल दो, दरवाजे पर भिक्षुक आया है उसको कह दो अभी यज्ञ पूरा होगा तब भिक्षा दिया जाएगा, दूसरी जगह ले जाकर बिठा दो उसको। भगवान ब्रह्मदेव के कहने पर शंकर भगवान भिक्षुक का रूप लेकर आए थे, उनको ले जाकर यज्ञशाला से दूर बिठा दिया गया। थोड़ी देर बाद भगवान शंकर फिर रूप धारण करे और अवधूत रूप धारण कर आ गए, अघोरी का रूप, अवधूत रूप, बड़े बड़े बाल, शरीर पर वस्त्र नहीं, नग्न नग्न वेश, कानों में बड़े बड़े कुंडल, मस्तक पर त्रिकुंड भस्म का, शरीर पर भस्म, अवधूत रूप धारण कर शिव जी फिर आ गए। जैसे ही अवधूत रूप धारण कर आए, ब्रह्मा जी को मालूम पड़ा कि दरवाजे पर कोई नागा आया है, कोई भस्मधारी आया है, अवधूत आया है, अच्छा नहीं लग रहा है। ब्रह्मा जी को लगा मेरा यज्ञ कहीं बिगड़ ना जाए, अवधूत को बाहर निकाल दो, दूसरी बार भी बाहर निकाल दिया शंकर भगवान, तीसरी बार तांत्रिक का रूप रखकर, शिवजी तंत्र का तांत्रिक का रूप रखकर आ गए। हाथ में एक मनुष्य के सिर की हड्डी, कपाल भयंकर सा स्वरूप, बहुत भयंकर स्वरूप, बड़ी बड़ी आंखें, आंखों में काजल, भयंकर स्वरूप बनाकर भगवान शंकर तंत्र रूप धर कर आ गए। जाकर कहो ब्रह्मदेव से दरवाजे पर एक तंत्रिक आया है, भूख लग रही है उसको, भेजिए। जितनी भी कथा आप लोगों ने सुनी होगी उस कथा में हमने हमेशा कहा, शंकर का भक्त अगर कोई शिवपुराण सुनने के लिए आया है उसका मुख झूठा जरूर कराओ, क्यों? मेरा वो गर्दानी ना जाने किस रूप में आकर तुम्हारे बीच में बैठकर पाकर चले जाता, पाकर चले जाता। उसका मुख झूठा हुआ, तुमने तो एक अन्न का दाना दिया है पर वो कितना देकर जाएगा ये मालूम नहीं पड़ता कितना। और ये भिलाई की कथा में हमने देखा, भिलाई की कथा में एक कोई भाई ने पत्र लिखा था कि हमने तो केवल कुछ कुछ थोड़ा बहुत ही हमने दिया था और बाबा ने हमको खूब खूब। एक पीआई साहब हैं छत्तीसगढ़ के, हम का नाम तो मेरे स्मरण में नहीं है, पर ऐसी कोई सी कथा नहीं जिस कथा में वो लगभग 50 किलो नुक्ति के लड्डू ना बंटवाते हैं। आप लोग कई लोग उनको पहचानते भी होंगे, और टीआई कौन से क्षेत्र के हैं वो हमारे स्मरण में नहीं है, पर उनका नियम आज से नहीं, कम से कम उनको 4-5 साल हो गए लगातार कहीं कथा होती है, दोनों पति पत्नी आते हैं, रात्रि के समय पहुंचते हैं, लड्डू बंटवाते हैं और चले जाते हैं, लड्डू बंटवाए। हमने कई बार उनसे पूछा भी कि ये शिव भक्ति, कहा गुरुजी बस बाबा ने कृपा करी और बाबा का दिया हुआ और बाबा को ही समर्पित, कभी 25 किलो, कभी 10 किलो, कभी 15 किलो नुक्ति का लड्डू लाएंगे, बांटेंगे, चले जाए। क्या मिल रहा है, क्या प्राप्त हो रहा है, क्या देगा वो, ये उसके ऊपर निर्भर करता। मेरा शंकर अड़भंग है, अड़भंग, भस्मासुर ने कंगन मांगा उसको कंकण दे दिया, रावण ने लंका मांगी उसको लंका दे दी, जो मांगता है उसको दे देता है। क्या देते हैं हम शंकर को, केवल एक लोटा जल, क्या देते हैं शिव को एक बेलपत्र, क्या देते हैं शंकर को एक पुष्प कनेर का, क्या देते हैं हम शंकर को थोड़ा बहुत, थोड़ा, पर तू वो देता बहुत है, बहुत देता है, बहुत। और तेरी कृपा बिना ना हिले, लेते हैं श्वास कृपा से, ब्रह्मा जी से कहो भूख लगी है कुछ दे हमें खाने के लिए। हाथ में मनुष्य के सिर की खोपड़ी है, कपाल है, हड्डी है, भूख लगी है लाओ कुछ तो लाओ, भूख लगी है। ब्रह्मा जी के पास सूचना गई, सूचना में पाया कि कोई दरवाजे पर तंत्र विद्या आया है, भूख लग रही है, भोजन नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा बाहर निकाल दो,
यज्ञ में ऐसे व्यक्ति की क्या जरूरत, तंत्र मंत्र की क्या जरूरत, बाहर निकालो। ब्रह्मा जी ने जैसे ही उनके ब्रह्मदेव के द्वार पर लाए और हाथ पकड़कर शंकर को खींच कर ले जाने लगे, शिव जी को क्रोध आ गया। शंकर भगवान ने हड्डियों का ढेर पूरी यज्ञशाला में लगवा दिया, पूरी यज्ञशाला हड्डियों से भर दी, कपालों से भर दी। ब्रह्मा जी समझ नहीं पाए ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, पूरी यज्ञशाला कपालों से भर दी। इंद्र के सूचना मिली, देवऋषि नारद ने आकर ब्रह्मा जी से कहा, जो दरवाजे पर तीन बार रूप रखकर आया, भूख लगी भूख लगी भूख लगी, तूने उसका मुंह झूठा नहीं कराया ब्रह्मदेव, वो साधारण नहीं वो शिव है, जब तक वो राजी नहीं तब तक तेरा यज्ञ पूर्ण नहीं। ब्रह्मा जी चरण पकड़े, ब्रह्मदेव ने चरण पकड़ लिए शंकर जी के, क्षमा करिए मैं जान नहीं पाया, आप रूप रखकर आए, मैं समझा कि कौन है आप, मैं समझ नहीं पाया। शंकर भगवान के चरणों में पड़ गए, यज्ञ आपको पूरा कराना पड़ेगा। शंकर भगवान का उस जगह पर नाम पड़ गया अटपटेश्वर महादेव, शिव जी का नाम पड़ गया अटपटेश्वर महादेव। आज भी पुष्कर जी में जब दर्शन करने के लिए जाओ, जब आप राजस्थान में ब्रह्मा जी के मंदिर का दर्शन करने के लिए पुष्कर जी में जाओ, तो अटपटेश्वर महादेव का दर्शन कर आना, जो अटपटेश्वर महादेव रूप रखकर ब्रह्मा जी के यज्ञ के सम्मुख में आकर खड़े हो जाते हैं। ब्रह्मा जी जब क्षमा मांगते हैं तो शंकर कहते हैं, ब्रह्मदेव मेरा नाम आज से अटपटेश्वर होगा, और सुन ब्रह्मदेव, व्यक्ति के जीवन में कितना भी भय हो जाए, एक बार मेरा नाम लेकर अगर एक कनेर का पुष्प मुझे किसी भी दिन समर्पित कर देगा, उसके भीतर का भय मैं समाप्त कर दूंगा। अटपटेश्वर महादेव नाम, बोल अटपटेश्वर महादेव मुझे प्राप्त कर सकता है जीव सहज भावों में। शंकर को रिझाने के लिए आडंबर नहीं, शंकर को रिझाने के लिए दिखावा नहीं, शंकर को रिझाने के लिए केवल निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। शिव को पाने के लिए तुम्हारी निर्मल भक्ति चाहिए, उसके सिवाय कुछ कुछ भी। भगवान श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य होता है, भगवान देवाधिदेव महादेव आनंद की राशि मेरे ओघरदानी मेरे शिव आनंद से विराजमान होते हैं।